विकास से वंचित तरक्की से प्रदेश कोसों दूर थे, जिसकी मुख्य वजह थी यहाँ कनेक्टिविटी का अभाव। लेकिन अब इस क्षेत्र में भारत के अन्य क्षेत्रों की तरह ही भारतीय रेल दौड़े की कई सालों से जो सपना पूर्वोत्तर को दिखाया गया था वह अब एनडीए की सरकार में साकार होने जा रहा है, और इसकी साक्षी होगी भारत की विशाल नदी ब्रह्मपुत्र, जो है पूर्वोत्तर की जीवन दायिनी। अब तक ऊपरी असम और अरुणाचल इलाके में इस विशाल नदी को पार करने के लिए एक भी रेलवे पुल नहीं था। ब्रह्मपुत्र नदी पर बने बोगीबिल पुल को माननीय प्रधानमंत्री जी राष्ट्र को समर्पित करने जा रहे हैं। यह पुल न केवल पूर्वोत्तर राज्यों में खुशहाली लाएगा, बल्कि देश की सेनाओं के लिए यहाँ पहुँचना आसान हो जाएगा, जो सामरिक दृष्टि से अहम है। इस पुल का काम तो वैसे कई सालों पहले शुरू हुआ था, लेकिन काम में गति 2014 के बाद आई। 5600 करोड़ की लागत से बना यह पुल 4940 मीटर लंबा है, एवं रेलवे के अलावा 2 लेन रोड भी इसमें शामिल है। इस पुल से अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर और असम की राजधानी दिसपुर गुवाहाटी की दूरी 700 किलोमीटर कम हो जाएगी। यही नहीं, समूचे पूर्वोत्तर में रेल इंफ्रास्ट्रक्चर का काम आज पूरे जोर शोर से शुरू है। रेलवे का साथ पूर्वोत्तर का विकास।